अच्छा बेटा, डेल्टन्स लॉ के टाइप फोर के न्यूमेरिकल अब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइप है बेटा। टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री हो चुकी है। टाइप थ्री हमने कल की थी, जो कि लोगों के मुताबिक मुश्किल टाइप है। मैंने कल आपको बोला था कि पास पेपर्स के उसके न्यूमेरिकल देखिएगा, पता नहीं आपने देखे कि नहीं देखे, लेकिन बेटा आप नेक्स्ट वीक तक लाजमी मुझे अपडेट करोगे सारे न्यूमेरिकल मुकम्मल करके। अच्छा बेटा, टाइप फोर जो है इट इज रिलेटेड टू पी गैस अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एन गैस अपॉन एन टोटल। बेटे जो डेल्टन्स लॉ का अपना फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, पी गैस अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एन गैस अपॉन एन टोटल। अब देखो, जब डेटा इनफ नहीं होगा, इससे पिछले सारे सवालों में वॉल्यूम भी था, प्रेशर भी था, टेम्परेचर भी था, सभी कुछ था, लेकिन बेटा अगर सिर्फ दो चीजें हो ना सवाल में, मोल और प्रेशर, मोल और प्रेशर, या मास और प्रेशर, तो मास से मोल निकाल लोगे तो मोल और प्रेशर हो जाएगा। तो फिर बेटा यही फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, जिसमें दो चीजें खाली। पी गैस का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और एन गैस क्या होता है, उसी गैस के मोल्स। पी टोटल इज टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, और एन टोटल का मतलब होता है टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। जैसे बेटा क्वेश्चन अगर हम लिखें, गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 3 मोल्स ऑक्सीजन एंड 3 मोल्स। मिक्सचर कंटेन्स 3 मोल्स ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स नाइट्रोजन। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 300 bar, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस। बड़े गैसियस मिक्सचर है जिसमें 3 मोल्स ऑक्सीजन है और 5 मोल्स कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है भाई, 3 मोल ऑक्सीजन है और 5 मोल्स कार्बन डाई, सॉरी नाइट्रोजन। अगर इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना गिवन है, 300 bar, तो दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा,
ये हमें फाइंड करना है। अच्छा भाई, डेटा बनाएंगे सबसे पहले। बेटे आपको गिवन है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो मैं डेटा कैसे लिख रहा हूं, आपको गिवन है 3 मोल ऑक्सीजन, तो मैंने क्या लिखा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट में क्या लिखा, NO2। N से रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को, और N के नीचे थोड़ा सा छोटा सा O2 लगा दिया, क्योंकि क्या शो कर रहा है कि किसके मोल है, ऑक्सीजन के। तो बेटा NO2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 मोल्स। इसी तरह आपको गिवन है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, N2 5 मोल्स। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपको गिवन है टोटल प्रेशर, यानी कि पी टोटल कितना, 300। आपको फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, O2, PO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 PN2। डेटा समझ में आ गया बेटा सबको? तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन NO2 हमने लिख दिया 3 मोल्स, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 आ गया 5 मोल्स, टोटल प्रेशर पी टोटल गिवन है 300 टॉर, फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। नाउ सॉल्यूशन, अभी देखो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2। साथ साथ नहीं लिखना वरना मिटाना पड़ेगा। देखो भाई फॉर्मूला क्या है, पी गैस अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एन गैस अपॉन एन टोटल। बेटा यहाँ पी गैस का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बेटा हमें किस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ऑक्सीजन का, तो मैं गैस हटा के क्या लगा दूंगा, O2। PO2 का मतलब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। और यहां पे भी बेटा फिर N में गैस हटा के क्या लगा दूंगा, O2। फॉर्मूला बन गया, PO2 निकालना है, पी टोटल डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 बराबर आ जाएगा NO2 अपॉन N टोटल इनटू P टोटल। सिंपली बेटा ये P टोटल जरा डिवाइड हो रहा था, वहां जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने गिवन है भाई, 3 टोटल मोल्स। बेटा मिक्सचर के टोटल मोल्स, सारे मोल्स को ऐड करके आएंगे तो 3 + 5 इंटू टोटल प्रेशर कितना है, 300 टॉर। तो भाई PO2 इज इक्वल टू 3/8 इंटू 300, निकालो बेटा क्या आ रहा है,
ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 112.5 टॉर। ठीक है भाई, 112.5 टॉर। अब देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ गया, हमें किसका निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, PN2। अब इसको निकालने के हैं दो तरीके, एक तरीका शो करेगा आपकी चालाकी और एक तरीका शो करेगा आपके भोलेपन को। अब ये भोलापन, ये मासूमियत, ये वो वाली मासूमियत नहीं है, वैसे तो आप लोग कतई मासूम नहीं है, पढ़ाई के लिहाज से, साइंस की नॉलेज के लिहाज से आप लोग इंतहाई मासूम है, यहां दिमाग नहीं चलता, हर जगह चलता है ना, सबको सब पता है बेटा। तो अब जरा मुझे ये बताएं कि एक तो तरीका फॉर्मूला बनाए सिंपल, ये है वो सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता, कि आप यही फॉर्मूला बनाए, आप O2 की जगह क्या आ जाएगा N2, और आप किसी तरह निकाल लेंगे पूरा, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, मासूमाना तरीका। चालाक वो है जो बोलेगा टोटल प्रेशर ये है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये है, इसमें से इसको माइनस करो, जो बचेगा वो किसका होगा, नाइट्रोजन का। वफा ने बिल्कुल ऐसे ही बताया है, तो इसका मतलब वफा बहुत चालाक है माशाल्लाह। और रमीशा ने भी बताया, अब ये नहीं पता कि बताया कैसे, मतलब इसी माइंडसेट से रमीशा ने सिर्फ आंसर लिखा है, वफा ने पूरा लिखा है, 300 में से 112.5 को माइनस कर दें। तो बेटा वी नो दैट टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो मिक्सचर में दो गैसेज है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो भाई टोटल प्रेशर कितना है, 300, ऑक्सीजन का है 112.5, इधर प्लस है, इधर आके 300 से क्या होगा, माइनस, तो 300 माइनस 112.5 क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 187.5 टॉर। अब बेटा अगर कोई ऐसे भी करता है तो भी सही है, गलत नहीं है, और करके देखें बेटा वो भी आंसर सेम ही आएगा। हाँ भाई सही है, रमीशा का भी दिमाग चलता है भाई, साबित कर दिया इन्होंने, वफा का भी दिमाग चलता है, साइंटिफिकली मासूम नहीं है आप लोग, अच्छी बात है। हाँ भाई, और समझ में आ गया सबको, ये सवाल पूरा हो चुका है बेटा, दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर हम निकाल चुके हैं। जी बेटा बताएं, क्लियर है, आमना हक कह रही है, बाकी हम सब मासूम हैं, सिर्फ साइंस की नॉलेज के लिहाज से मासूम है बेटा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको अच्छी तरह से पूरा सवाल। अब जाहिर है बेटा मैं आपको सवाल दूंगा, एक ऐसा ही दूंगा, एक थोड़ा चेंज जो पास पेपर में आया है वो दूंगा, तो ये भी खत्म हो जाएगी टाइम, और फिर बेटा हम हंसी खुशी ग्राहम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, डेल्टन्स लॉ के न्यूमेरिकल मुकम्मल हो चुके होंगे। हाँ भाई, 0.75 मोल मीथेन and 1.5 moles
हाइड्रोजन आर मिक्स्ड if the total pressure is 1.8 atmosphere and find the partial pressure of each gas. क्या हो गया? अच्छा भाई शुरू कर दें जल्दी से. कैलकुलेटर तो होता नहीं है तुम लोगों के पास, है ना? ठीक है भाई, ये पास्ट पेपर का सवाल है. अ गैसियस मिक्सचर हैविंग 0.5 मोल ऑक्सीजन एंड 0.8 मोल हाइड्रोजन हैज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 60 टॉर. कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2. ठीक है भाई, एक गैसियस मिक्सचर जिसे 0.5 मोल ऑक्सीजन और 0.8 मोल हाइड्रोजन से बनाया है, इसका इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 60 टॉर, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है. बेटा पिछले सवालों में, पिछले दो सवालों में, और उसमें डिफरेंस क्या है कि बेटा पिछले सवालों में दोनों गैसेस के मोल और टोटल प्रेशर गिवेन होता था और दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना होता था. यहां बेटा दोनों गैसेस के मोल और एक गैस का पार्शियल प्रेशर गिवन है, दूसरी गैस का निकालना है. ठीक है भाई, अब जरा आप पहले इसको खुद से करने की कोशिश करो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इसको, खुद से करने की कोशिश करो पूरा. और बेटा जिन्होंने गलत आंसर दिए हैं उनके लिए मैं पिछला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं. जी बेटा, हाँ जाहिर है उसके बगैर कुछ भी नहीं निकले. पिछले सवाल में एक गैस मीथेन थी और दूसरी कौन सी थी? हाइड्रोजन. अरे बेटा तो मोल्स ऑफ मीथेन पिछले सवाल में MCH4 आपको कितने गिवन थे? 0.5 मोल. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन NH2 कितने गिवन थे? 1.25 मोल. टोटल प्रेशर कितना गिवन था? 1.8 एटमॉस्फेयर. आपको फाइंड करना था पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन PCH4 और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन यानी के PH2. ठीक है भाई, पहले क्या निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन PCH4. अच्छा भाई फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या है? P गैस अपॉन P टोटल इज इक्वल टू N गैस अपॉन एन टोटल. बेटा जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है वो गैस यहाँ पे लगा देंगे तो PCH4 और उसी गैस के मोल इधर लगा देंगे तो NCH4. ये फॉर्मूला बन जाएगा. PCH4 निकालना है तो P टोटल उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो PCH4 बराबर आ जाएगा NCH4 अपॉन एन टोटल इंटू P टोटल के.
ठीक है भाई। नाउ वैल्यूज लगाएंगे बेटा, मोल्स ऑफ मीथेन कितने गिवन है, 0.75, टोटल मोल 0.75 प्लस 1.25 और टोटल प्रेशर 1.8 एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, 0.75 अपॉन 2.25 इनटू 1.8, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन आ गया 0.6 एटमॉस्फेयर। बेटा आप पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इसी तरह निकालेंगे जैसे कि आपको बताया, विद पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे PH2, वही बेटा टोटल प्रेशर बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के। टोटल प्रेशर है 1.8, मीथेन का आया 0.6 प्लस PH2, 1.8 माइनस 0.6 इज इक्वल टू PH2, PH2 आ जाएगा 1.2 एटमॉस्फेयर। ये पिछला सवाल है बेटा, उसका सॉल्यूशन है। बेटा टोटल प्रेशर निकाला पिछले सवाल के, इस वाले सवाल के लिए टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। और टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, ₹156 आएगा टोटल प्रेशर और 92 आएगा हाइड्रोजन का। तो वफा ने और रमीशा ने सही किए। हाँ बेटा सही है, वफा और रमीशा का सही है। अच्छा बेटा ये आप लोग घर से पूरा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।